Hey guys, welcome back. कैसे हैं आप सब? दोस्तों, गर्मियों में ना बहुत सारे क्वेश्चंस अब आने लग गए हैं, बहुत सारी क्वेश्चनिंग आने लगी है कि मैम गर्मियों में आप क्या चीज़ यूज़ करती हैं, क्योंकि ब्रेकआउट्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर, एक्ने प्रोन स्किन हो जाती है, स्किन पे काफ़ी मोटे मोटे काले दाग धब्बे दिखना शुरू हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? और स्किन जो चिपचिपाहट का जब मौसम आता है, स्किन चिपचिप करने लग जाती है मॉइस्चराइजर लगाने से, उसे कैसे बंद किया जाए? गाइस, मैं आज आप लोगों के साथ फॉक्सी से जो मैंने दो प्रोडक्ट मैंने मंगवाए हैं उनके बारे में मैं इसका रिव्यू करना चाहूँगी, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है मेरी स्किन के लिए, इवन हर टाइप स्किन के लिए बहुत परफेक्ट है। इसकी खुशबू बहुत लाजवाब है। ये है द मॉम्स को डॉट, लाइक ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, नेचुरल विटा रिच फेस वॉश है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। स्किन को जब हम इससे वॉश करते हैं ना, स्किन मतलब ओ माय गॉड वाली फीलिंग आती है, क्योंकि स्किन एकदम से क्लीन हो जाती है। जितना भी स्किन के ऊपर डस्ट है और जो पोल्यूशन है, जो चिपचिपाहट है, पसीना है, वो बड़े आराम से ख़त्म हो जाता है। डस्टिंग करते हुए जो धूल मिट्टी स्किन के ऊपर चिपक जाती है, किचन में काम करके जो स्किन काफ़ी ज़्यादा डल सी हो जाती है, वो सब निकाल देता है। तो ये फेस वॉश मैं रिकमेंड करूँगी कि इसको इस्तेमाल में ज़रूर लीजिए, बहुत परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है। राइट, तो थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में बता देती हूँ। दोस्तों, जो आप ये प्रोडक्ट देख रहे हैं, द मॉम्स को डॉट द नेचुरल विटा रिच फेस वॉश है, और इसके अंदर विटामिन सी, B3, B5 एंड हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है। हाइलुरोनिक एसिड के बारे में मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन के लिए तो बहुत परफेक्ट होता है। एंड ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में बहुत हेल्प करता है, पोल्यूशन, डस्ट, डर्ट और जो भी एक्ने प्रोन स्किन है, पिगमेंटेशन है स्किन के ऊपर, उसे ख़त्म करने में हमारी बहुत हेल्प करता है, पोल्यूशन को ख़त्म करता है, रिड्यूस करता है हमारी स्किन के डलनेस को। एंड गाइज, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है एंड इसकी खुशबू के साथ साथ ये हर तरह की स्किन टाइप पर्सन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन के ऊपर जितना भी ऑयल होता है, जर्म्स होते हैं, उन्हें ख़त्म करने में भी हमारी काफ़ी हेल्प करता है। तो गाइज, इसे आपने लेना है, थोड़ा सा प्रोडक्ट लीजिए, स्किन के ऊपर अप्लाई करें, 2 से 3 मिनट तक मसाज कीजिए और चेहरे को नॉर्मल पानी से वॉश कर लें और स्किन को टच करके देखिए, फीलिंग ग्रेट फीलिंग आपको फील होगा, बहुत मज़ा आएगा स्किन को टच करते हुए भी, बड़ा कूल सा इफेक्ट नज़र आएगा। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं, जो मेरे दोस्त बोलते हैं कि फेस वॉश तो हो गया, लेकिन फेस वॉश के बाद मॉइस्चराइजर कौन सा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब भी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजर लगाने की बात आती है तो स्किन बहुत चिपचिप करने लग जाती है। कौन सा मॉइस्चराइजर स्किन के लिए परफेक्ट होता है? तो गाइज, मैं रिकमेंड करूँगी दिस वन, ममा अर्थ। ममा अर्थ आजकल ममा अर्थ बहुत चल रहा है और ममा अर्थ इसलिए चल रहा है क्योंकि यार चलने वाली चीज़ें तभी चलती है ना। तो ये ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर है, स्किन के ऊपर जितना मर्जी ऑयल आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मॉइस्चराइजर अप्लाई ज़रूर कीजिए, है ना। ऑयल की वजह से हम मॉइस्चराइजर लगाना छोड़ देते हैं, लेकिन ये ऑयल, ये जो मॉइस्चराइजर है फेस वॉश करने के बाद, इसको लगाना बिल्कुल ना भूलें। स्किन को सॉफ्ट स्मूथ रखता है, क्लीन रखता है, हाइड्रेट रखता है और स्किन की डलनेस को ख़त्म करने में बहुत हेल्प करता है। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गाइस, ममा अर्थ ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विद एप्पल साइडर विनेगर है, जो एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, पैराफिन फ्री है, लाइट है एंड नॉन ग्रीसी है। गाइस, ये बहुत बहुत बढ़िया है, इसकी खुशबू भी बहुत माइल्ड सी है, बहुत ज़्यादा दिमाग को चढ़ने वाली खुशबू नहीं है इसके अंदर, बहुत लाइट सी खुशबू है इसके अंदर। अगर इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो नेचुरल इंग्रेडिएंट इसके अंदर आपको ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कि एक्वा इसके अंदर है, ग्लिसरीन इसके अंदर है और एप्पल साइडर विनेगर, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो भी इसके अंदर है, गम है इसके अंदर और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल हैं और आपकी स्किन को जवान बनाने में, स्ट्रॉन्ग करने में, हेल्दी करने में बहुत हेल्प करती हैं। आपने इसका थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है, अपने फिंगर टिप्स पे अप्लाई करें, गोल गोल घुमाइए और फेस पे अप्लाई कर लीजिए, पूरे फेस पे इसे अच्छी तरह से अप्लाई करें, नेक पे अप्लाई करें, मॉर्निंग एंड नाइट 2 टाइम इसको यूज़ करें। एंड इसके अलावा मेकअप उतारने के बाद जब भी आप स्किन केयर करते हैं उसके बाद ये मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल ना भूलिए। सो गाइज, आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलेगा और फॉक्सी से मैंने इन प्रोडक्ट्स को मंगवाया है। अगर आप इसके बारे में कोई और जानकारी भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बार में मुझे लिख सकते हैं। मिलती हूँ अब नए वीडियो में और नई जानकारी के साथ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। सो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।